नमस्कार, मैं डॉक्टर आशिमा स्नानी, मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ एट ओम्या फर्टिलिटी, सफदरजंग एन्क्लेव, न्यू दिल्ली। आज मैं कुछ बात करने जा रही हूँ, क्या हम कुछ चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, हाउ कैन आई बेसिकली हेल्प माई स्पर्म। फॉर्चुनेटली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जो आपका स्पर्म काउंट, मोर्टिलिटी सब बढ़ा सकती है। Subscribe to Omia Fertility and press the bell icon to never miss an update. पहली बात है एक्सरसाइज। ऐसा देखा गया है जो मेन एक्सरसाइज करते हैं, मूड एलिवेशन तो होता ही है, पर जो मेन हफ्ते में 3 बार अगर 1 घंटे तक एक्सरसाइज करें तो वो आपकी स्पर्म क्वालिटी और मोर्टिलिटी को भी इफेक्ट कर सकता है। तो इट्स अ वेरी गुड चॉइस टू एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 times a week। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको स्ट्रेस कम लेना है। हाँ, ये बहुत ईजी साउंड कर रहा है, बट ऐसा देखा गया है जो मेन ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं IVF साइकिल्स के ट्रीटमेंट से पहले, उनकी जो है स्पर्म जो काउंट है, मोर्टिलिटी है, वो सब इफेक्ट होती है। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेना है, थोड़ा सा जॉब के स्ट्रेस को बाहर रखिए, अपने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस करिए, एक्सरसाइज करिए जिससे स्ट्रेस कम होगा, टॉक टू योर फ्रेंड, मेडिटेशन का हेल्प ले सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए जो आपके स्ट्रेस को कम करे। तीसरी जो बात है स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग क्विट करनी है। स्मोकिंग इज़ नॉट हेल्पिंग योर फर्टिलिटी, स्मोकिंग आपके सारे सीमेन पैरामीटर्स को इफेक्ट करती है। तो स्मोकिंग को क्विट करिए, पहले कम करने की कोशिश करिए और फिर आपको क्विट करना ही है स्मोकिंग। जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ ड्रग्स के बारे में, जो ड्रग्स हैं जैसे हीरोइन है, कोकेन है, ये सब जो है वो इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स तो करती ही हैं, और जो मेन जो हैं जो मैरिजुआना यूज़ कर रहे हैं वो स्पर्म के सारे पैरामीटर्स जैसे काउंट, मोर्टिलिटी सब इफेक्ट करती है। तो यू हैव टू स्टॉप कंज्यूमिंग ड्रग्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप कर सकते हैं, ईट राइट। डाइट को तो निगलेक्ट करा ही नहीं जा सकता, जैसे कि कुछ फूड्स हैं जो आपके स्पर्म को हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स खाने हैं, बहुत सारे फ्रूट्स खाने हैं। कुछ फूड जो स्पेसिफिकली आपको हेल्प करेंगे वो है एग। एग में बहुत सारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन इज़ गोइंग टू हेल्प योर स्पर्म, जो स्पर्म की जो है मोटिलिटी बढ़ाएगा। बेसिकली जो एग है आपके जो स्पर्म्स है उनकी फ्री रेडिकल डैमेज को कम करता है। तो हैविंग एग्स एवरी डे इज़ अ वेरी हेल्दी ऑप्शन। नेक्स्ट है स्पिनच या पालक। पालक में जैसे कि आपको बहुत सारा फोलिक एसिड मिलता है जो एबनॉर्मल स्पर्म्स की मात्रा को कम करता है, तो अपने डाइट में पालक और हरी पत्तेदार सब्जियाँ ज़रूर इंक्लूड करें। नेक्स्ट है बनाना, विच इज़ अ वेरी हेल्दी फ्रूट। बनाना में सभी प्रकार के विटामिन्स हैं जैसे A, B1 और C। ये सारे विटामिन्स आपकी स्पर्म काउंट को इफेक्ट करते हैं, सो बनाना डे इज़ अ वेरी हेल्दी ऑप्शन। बेसिकली जो है बनाना में एक रेयर एंजाइम होता है जिसका नाम है ब्रोमेलानिन, जो बेसिकली इन्फ्लेमेशन को कम करता है और मोर हेल्दियर स्पर्म्स मिलते हैं अगर आप अपनी डाइट में बनाना इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ फूड की, जो है मैका रूट। मैका रूट जो है बेसिकली एक क्रूसीफेरस वेजिटेबल है जिसका जो मेन खाद्य वो है रूट्स, और ये बहुत सारे कलर्स में मिलता है। ऐसा देखा गया है मैका रूट्स के जो हर्बल सप्लीमेंट्स लोग लेते हैं, मेन लेते हैं, उनकी जो सीमन का वॉल्यूम है और काउंट है वो मच बेटर होता है। तो बहुत सारे मैका रूट्स के सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। एस्पैरेगस जो बहुत रिच है विटामिन सी में, वो भी आपके स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है। बेसिकली एस्पैरेगस जो है वो आपके जो है अगर आपके टेस्टिकुलर सेल्स को भी प्रोटेक्ट करता है, जो बेसिकली आपको एक हेल्दी स्पर्म की तरफ मूव करता है। तो बेसिकली ये सब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आपके स्पर्म को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। डार्क चॉकलेट जो है जिसमें L-आर्जिनिन होता है, अगर लिमिटेड क्वांटिटी में आप इसको खाते हैं तो ये आपकी सीमेन क्वांटिटी और वॉल्यूम को बढ़ाता है। वॉलनट्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स एंड प्रोटीन। जो हेल्दी फैट है वो बेसिकली स्पर्म की जो मेम्ब्रेन है उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो बेसिकली ब्लड फ्लो टू द टेस्टिकल्स इंक्रीज करते हैं, विच हेल्प्स इन इंक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बेसिकली वो आपके टॉक्सिन्स निकालते हैं ब्लड स्ट्रीम से। पम्पकिन सीड्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिनमें फाइटोस्टेरॉल है जो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, सो इट विल इम्प्रूव योर सीमन पैरामीटर, एंड इट कंटेन्स ऑल्सो ओमेगा 3 जो ब्लड फ्लो जो है टेस्टिकल्स तक ज़्यादा पहुँचाता है, जो आपकी स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। जिंक रिच फूड्स लेंगे तो वो भी आपके डाइट में आपको हेल्प करेगा सीमन पैरामीटर्स को बेटर करने के लिए। तो ओवर एंड ऑल अ हेल्दी डाइट विच इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
फॉर गुड स्पर्म क्वालिटी। थैंक यू।